नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रानी बाग मेन बाज़ार में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नरेश नागपाल जी, जो कि प्रसिद्ध समाजसेवी हैं। आइए इनसे बात करते हैं शिवरात्रि के मौके पे किस तरह का ये अपना कार्यक्रम करने आ रहे हैं, तो आइए बात करते हैं इनसे। नरेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप जो हमारे लिए टाइम निकाला है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। और कोई बात नहीं, बाकी आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत आपको बधाई हो। अच्छा नरेश जी, मैं जानना चाहूँगा इस बार आप शिवरात्रि के मौके पे कुछ करने आ रहे हैं कार्यक्रम। हाँ, मतलब ऐसा है, शोभा यात्रा निकल रही है हमारी 18 तारीख को 2 बजे का टाइम है राजधानी शिव मंदिर में से, तो बहुत विशाल शोभा यात्रा है। यात्रा कहाँ से कहाँ तक रहेगी अपनी सर? वो शोभा यात्रा है जी, ये अपना यहाँ से निकलेगी अपना राजधानी मंदिर से और पूरा ये अपना रोड पे रेलवे रोड से मेन मार्केट होते हुए सैनिक विहार रोड से उधर से होएगी वहाँ तक पूरी जाएगी शोभा यात्रा। तो काफ़ी तादाद में लोग इसमें शामिल होंगे? बिल्कुल, सब सेवादार हैं, सब सेवा समाज सेवी है, जो भी इसमें हैं समाज सेवी ही जुड़े हुए हैं। सब बिल्कुल जो है समाज सेवी ही जुड़े हैं, जो भी हमारे शुरू से जो हमारे फादर हैं वो भी पूरे समाज के लिए ही सेवा उन्होंने करी है, श्री बनवारीलाल नागपाल जी ने, और हम भी उन्हीं के ही चल रहे हैं कदम पे, और हमेशा उन्हीं के कदम पे हम चलेंगे और पूरा जो है हम जितना हमारे से हो सके हम लोगों का भला करेंगे। अच्छा नीरज जी, जैसे अभी ज्योति अग्रवाल यहाँ के भी निगम पार्षद चुनी है, लगभग कुछ ही महीने उनको हुए हैं, तो काम को लेकर अगर बात करें सर, किस तरह की शुरुआत हुई है वार्ड में? काम तो देखो जी, जब से इन्होंने अब ये अपना शपथ भी ली है बैठे हैं, और उन्होंने पूरी मतलब ऐसा मतलब काम करें जो आज तक किसी ने किया नहीं। अच्छा। जब से मतलब सफाई हर एक चीज़ के लिए वो आगे हो रही हैं और खुद जा के करवा रही हैं, खुद जा के कर रही हैं, हमारे साथ जा रहे हैं अफसरों को लेकर खुद करवा रही हैं जी, बहुत अच्छा कर रही है। अभी पीछे उन्होंने ओस्टैक्स का भी लगाया 2 दिन के लिए। अच्छा। रानीबाग उसमें अपने ऑफिस के पास ही उन्होंने, तो उसके बाद उन्होंने आधार कार्ड का बनाने का जिसने चेंज नाम नुम जो भी करवाना है उसके लिए 2 दिन के लिए लगाया उन्होंने, और पूरा धन मन से लगे हुए हैं वो। अच्छा, अधिकारी सर प्रॉपर आ रहे हैं? प्रॉपर हर एक कोई आ रहा है, बहुत मतलब हर एक चीज़ के लिए सेवा के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए उनके लिए मना नहीं हो, कह रहे 12 जब भी आओ आपके लिए हमेशा दरवाज़ा खुला है, और पहले भी ये रही हैं और उनको देखा लोगों ने, सारा सुरस्ती विहार वगैरह सब कुछ उन्होंने पार्कों को इतना सुधार वगैरह करा, मतलब लोग याद करते हैं वहाँ पे इनको। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा सर, जैसे आप कहीं ना कहीं पॉलिटिकल भी कहीं ना कहीं आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, आपकी धर्मपत्नी हैं कविता नागपाल जी भी सर, तो कंधे से कंधा मिला के आप मतलब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल, हम दोनों मिल के काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, पूरा सहयोग है उनका और पूरा करती हैं भी, हर एक जगह मतलब जाते हैं करते हैं, कहीं भी कोई हो अपना प्रोग्राम वो कविता नागपाल जी हर एक जगह जाती हैं पार्टी के साथ। इस समय भी किस पद पे हैं कविता नागपाल जी? वो महिला मोर्चा का महामंत्री हैं। अच्छा। मंडल की रानीबाग के लिए मतलब हमेशा आगे हर एक चीज़ के लिए वो करेंगे। बैकग्राउंड आपका प्रोफेशनली बैकग्राउंड पे लेके हम बात कर लेते हैं। देखो जी, बैकग्राउंड तो हमारा शुरू से बता रहे हैं बाबू जी का, हमारा जो है शुरू से ही पार्टी साथ बीजेपी के साथ लगे हुए हैं, और ये नहीं संसार से वो संघ से जो लगे हुए हैं उनके साथ हैं, और उन्हीं कदम पर हम चलेंगे और चलते रहेंगे, और पूरा हम उनका जो है नाम जो है बनवारी नागपाल जी हमारे जो फादर हैं उनका हम नाम हमेशा ऊपर ही रखेंगे, कभी नीचे नहीं आंदे झुकने देंगे बस। मेन बाजार की सर अभी कोई महत्वपूर्ण कोई समस्या कोई देखने को मिल रहा है? मेन बाजार की कोई समस्या ठीक चल रहा है, फर्स्ट क्लास, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बाकी ना ना कोई समस्या नहीं किसी चीज़ के लिए। हम तो लोग दुकानदारों भाइयों के ये कहते हैं अपना हिसाब से रखो सामान, कोई किसी बात के लिए आपको तंग नहीं करने आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा ज्योति अग्रवाल जी ने कहा अपना लिमिट से रहो बस। और एक छोटी सी कोई अपील देना चाहेंगे नागपाल जी, आप अपनी जनता में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो हम यही देंगे बस, जो शिवरात्रि आ रही है इनकी सबको शुभकामना हो, बहुत भोलेनाथ सब पे कृपा करें, हम तो यही कह रहे हैं हर एक पे सुख शांति हो, जो भी कहीं भी कष्ट कोई आ रहे हैं सब दूर करें हमारे भोलेनाथ जी, हम तो यही कहें जो भी देखो कहाँ जो इतने भी हो रहा है, हम तो कह रहे हैं देखो दुख तो होता ही है, बिल्कुल कहीं भी कुछ हो रहा है, देखो भूकंप आए कई जगह मतलब कुछ हुआ, इतना मतलब बहुत दुख होता है, और फिर भी हमारे जो है मोदी जी हमारे बहुत साथ दे के वहाँ पर हर एक चीज़ के लिए वो करा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं मोदी जी हमारे लिए हर एक चीज़ के लिए आगे होते हैं, कोई भी कहीं भी ये नहीं देखते भाई को हमारा बंदा है नहीं है, वो दिल जान से हर एक के साथ हैं, कोई भी ये नहीं बाहर जाते किसी बात के लिए, हम तो उनका बहुत बहुत वो करते हैं, और हम तो यही कहते हैं भोलेनाथ जी कृपा करी रखें, और भोलेनाथ जी भगत हैं वो मोदी जी, और कृपा बहुत है, और अपना वो पूरा वो करेंगे। धन्यवाद आपका। तो ये हमारी सीधी बात नरेश नागपाल जी से स्टार सिटी के साथ, मैं जितेंद्र गुप्ता।